और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के साबरकांठा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गुजरात के साबरकांठा की है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर, 5 लोगों की मौत हुई है। और हादसे के बाद देखिए गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, जब ये हादसा हुआ उसके बाद आसपास जो लोग मौजूद थे वो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी। और जिस तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उसके बाद से ही आप देखिए कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा हादसा कितना भयानक था। ग्रेटर नोएडा में यूपी के सबसे बड़े ट्रेड शो की आज शुरुआत होगी। ट्रेड शो का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में 80 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं। वहीं इस ट्रेड शो में भारत के साथ वियतनाम साझेदार देश के रूप में भी भाग ले रहा है। इस ट्रेड शो के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। यूपी के लखनऊ में एक बैंक की महिला अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बैंक के अंदर काम करते वक्त महिला कुर्सी से नीचे गिर गई, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए महिला कर्मचारी की अचानक मौत पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा, कंपनियों और सरकारी विभागों तक को गंभीरता से सोचना होगा, ये देश के मानव संसाधन की अपूर्णीय हानि है। बीजेपी सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों के कारण कंपनियों का काम कारोबार इतना घट गया है, जिसके कारण कंपनियां कम लोगों से कई गुना काम कराती हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। अस्पताल में दबंगों ने यहां जमकर हंगामा किया। 5 युवक अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान एक वार्ड बॉय से मारपीट का वीडियो भी अब सामने आया है। अस्पताल में हंगामे की वारदात लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की है, और इस दौरान अस्पताल के अंदर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है, और फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। Z News.